दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना। हमारी आज की इस वीडियो में आप इस कहावत को सच होते हुए देखेंगे, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हमने हंटिंग के ऐसे मोमेंट को दिखाया है जिसमें शिकारी जब शिकार करने गए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा, और तो और उनके शिकार ने ही उन्हें उल्टा घायल कर दिया। आइए दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं गैजल वर्सेस चीता की इस वीडियो से। चीता जैसे तेज जानवर से किसी का भी बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन बात अगर गैजल की हो तो शायद ऐसा पॉसिबल है। इस सीन में एक चीता गैजल का शिकार करने का डिसाइड करता है और फिर शुरू होती है जान बचाने की रेस। गैजल अपनी फुल स्पीड से भागता है, लेकिन फिर भी चीता उस तक पहुंच ही जाता है। चीता अपने नुकीले दांतों को गैजल के शरीर में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन गैजल उसे बार बार लात मारकर पीछे हटा देता है। इसके बाद तो चीते की मदद के लिए उसका बच्चा भी आ जाता है, लेकिन दोनों मिलकर भी गैजल को जमीन पर नहीं गिरा पाते, और फिर गैजल मौका देखकर चीता को अपने सींगों से उठाकर पटक देता है और भाग जाता है। माना कि इस कंडीशन में गैजल घायल हो चुका है, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच गई, और तो और उसने अपने सींगों से चीते को भी घायल करके अच्छा सबक सिखाया। चीता वर्सेस इम्पाला। यहाँ एक चीता और इम्पाला की लड़ाई चल रही होती है। शुरू में ऐसा लगता है कि इम्पाला चीता को हरा देगा, लेकिन कुछ देर बाद चीता इम्पाला का गला घोंटने लगता है। चीता इम्पाला की गर्दन को इतना कसकर दबोचता है कि वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद चीता को लगता है कि इम्पाला मर चुका है और वो उसकी गर्दन छोड़ देता है। और फिर जैसे ही चीता के बच्चे आकर इम्पाला को खाने की कोशिश करते हैं, इम्पाला तुरंत खड़ा हो जाता है और अपनी फुल स्पीड में भागकर चीते की पहुंच से काफ़ी दूर निकल जाता है। चीता वर्सेस न्याला बुल। न्याला बुल नाम से आपको बेशक लग रहा होगा कि ये कोई सांड होगा, पर असल में ये एक तरह का बड़े सींगों वाला हिरण है। ये काफ़ी ताकतवर होता है और इसका वजन लगभग 115 किलो तक होता है। यहाँ एक न्याला बुल पर एक साथ तीन चीते मिलकर अटैक करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो न्याला को नीचे नहीं गिरा पाते। तीनों तरफ से घिरे हुए होने के बावजूद भी न्याला हार नहीं मानता और लड़ता रहता है, जिसके बाद ये चीते न्याला के सींगों से घायल हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वाइल्ड बीस्ट वर्सेस लायनेस। वाइल्ड बीस्ट भी एक तरह का हिरण होता है। इनके सींग जेम्स बॉन्ड की तरह लंबे तो नहीं होते, पर इनके सींगों की बनावट ऐसी घुमावदार और मजबूत होती है कि ये अपने सींगों में से किसी भी जानवर को उठाकर पटक सकते हैं। यहाँ दो शेरनियाँ एक वाइल्ड बीस्ट पर अटैक करती हैं। एक शेरनी वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को दबोचने की फिराक में है, तो दूसरी इसकी टांगों को घायल करने में लगी हुई है ताकि वाइल्ड बीस्ट को जमीन पर गिरा सके। लेकिन वाइल्ड बीस्ट भी चालाकी दिखाते हुए पहले गर्दन के पास वाली शेरनी को अपने सींगों में फंसा कर दूर फेंक देता है, और फिर टांगों पर अटैक कर रही शेरनी को भी अपने सींगों से घायल कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही भाग जाती है। दोस्तों, अगर वाइल्ड बीस्ट के झुंड के ऊपर शेरों का झुंड अटैक कर देता है तो ये सभी डर कर भागने लगते हैं, लेकिन बात जब एक वाइल्ड बीस्ट और शेरनी के मुकाबले की हो तो वाइल्ड बीस्ट भागने की बजाय शेरनी को धूल चटाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये वाइल्ड बीस्ट शेरनी पर लगातार अपने सींगों से अटैक किए जा रहा है, जिसके बाद शेरनी को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। इसे देखकर ऐसा लगता है अगर किसी शेर को वाइल्ड बीस्ट का शिकार करना हो तो उसे झुंड पर ही अटैक करना होगा, वरना उसकी हालत भी इस शेरनी की जैसी हो जाएगी। बफेलो वर्सेस लायन। शेर का मुकाबला करने की ताकत सभी जानवरों में नहीं होती। ज्यादातर जानवर बड़ी आसानी से शेर का शिकार बन जाते हैं, और जिन जानवरों का शिकार करना मुश्किल होता है उन्हें ये शेर झुंड में घेर कर मार डालते हैं। पर इस क्लिप में आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ एक शेर एक बफेलो का शिकार कर रहा होता है कि तभी वहाँ दो और बफेलोज आ जाते हैं, और शेर को ऐसी कंडीशन में देखकर भागने की बजाय ये बफेलो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए शेर से ही भिड़ जाते हैं और शेर को अपने सींगों से उठाकर इतनी बार पटकते हैं कि शेर वहां से घायल होकर भाग जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो देखकर मजा आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही और ही ढेर सारी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।